जब दिन के उजाले में ढेर सारा शोर शराबा हो जाए तो कई बार रातें चमकदार हो जाती हैं, और आज मैंने डिसाइड किया कि रात के इस सन्नाटे को चीरते हुए आपके लिए होंडा हाइनेस सीबी 350 का रिव्यू लेके आऊँगा, क्योंकि आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं मेरे इस चैनल पर, क्योंकि सबसे पहला वीडियो आपके लिए लेकर आया था। तो बड़े अच्छे अंदाज में मैं इसका रिव्यू लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, और आपको बताऊँगा ये मोटरसाइकिल कैसी है चलाने में। तो इसे रिव्यू मत समझिएगा, ये फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन है जिसमें मैंने लगभग 100 किलोमीटर से चलाया है, और अब आपको बताने जा रहा हूँ कि मोटरसाइकिल कैसी है, आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, ये रात में शूट कर रहा हूँ तो अगर थोड़ा क्वालिटी ऊपर नीचे हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। इसके पहले मैं वॉक अराउंड कर चुका हूं, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला हूं। आप ऑलरेडी देख चुके हो इसके वॉक अराउंड को, जिसमें एक एक चीज़ मैंने आपको बताई थी और आप सबने उसे सराहा था। तो सबसे पहले जिक्र करेंगे इसके LED से, और ये हेडलैम्प मिला है, और इसका मैं इनॉग्रेशन भी कर देता हूँ, मतलब ये रिवील हो गया है, अब आप देख सकते हैं। तो इसकी जो लाइट है आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो अगर आप जिक्र करते हैं कि क्या रॉयल इनफील्ड की जो मोटरसाइकिल हैं जिससे लोग चर्चा कर रहे हैं कि बुलेट 350 से इसका मुकाबला होगा सीधा, तो आपको सच बताऊं कि ये लाइट का जो इल्यूमिनेशन है बहुत दूर तक जाता है, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं रात में क्यों इसके साथ बैठा हुआ हूँ, क्यों अपनी रात काली कर रहा हूँ, जिससे मैं इस मोटरसाइकिल का जो चरित्र है बेहतरीन वो आपको दिखा सकूँ। क्या क्या मिलता है आपको यहाँ पे, जो ये देख रहे हैं दोनों टर्न इंडिकेटर जैसे नज़र आ रहे हैं, ये DRL का भी काम करते हैं, तो अभी ये जल रहे हैं पूरे, और जब आप इंडिकेट करोगे तो ये जलना शुरू हो जाएगा, लेकिन पीछे साइड में ऐसा नहीं होता है, जब आप इंडिकेटर दोगे तभी वो जलेंगे, नहीं तो नहीं जलेंगे। और अच्छी चीज़ है, आपको अच्छी लग सकती है, आपको बढ़िया ग्रिप मिलता है, टायर इसके अच्छे से ग्रिप करते हैं। पहले ही सब कुछ डिटेल में बता चुका हूँ, तो यहाँ पर नंबर कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ, मुझे कैसा लग रहा है बस उसका जिक्र करूँगा। और जो अलॉय है मुझे मज़ेदार लगा, क्योंकि इसमें जो स्पोक टाइप का अंदाज़ जो दिया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है, और डिस्क बहुत अच्छे से, क्योंकि ये ड्यूल चैनल ABS मोटरसाइकिल है और बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, जिक्र करूंगा जब मैं परफॉर्मेंस की बात करूंगा। तो आपको इतनी सारी चीजें यहां से मिल जाती हैं, और जो अच्छा लगता है वो इसका LED हेडलैम्प का सेटअप, और ये दूर तक रोशनी देता है जो कि कंपटीशन में सबसे आगे नजर आएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि साइड प्रोफाइल में क्या क्या चीजें आपको अच्छी लग सकती हैं। रिव्यू है तो ये मेरा वर्डिक्ट है, आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं बता रहा हूं तो मुझे क्या पसंद आया है क्या नहीं पसंद आया है उसे बता रहा हूं, वॉक अराउंड एकदम नहीं है, ये मेरा फर्स्ट राइड इंप्रेशन होने वाला है इस बाइक के साथ। तो क्या चीजें अच्छी लगेगी सबसे पहले जिक्र उसका करते हैं। तो जो इसकी सीट है ना वो बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल है मेरे जैसे राइडर के लिए, जब मैं इस पर और राइड करता हूं तो बहुत मजेदार लगता है। एक बार आपको बैठ के दिखा देता हूं तो आप थोड़ा सा फील ले पाएंगे, और यहीं पर कुछ और पार्ट्स का मैं इसका जिक्र करूंगा जो मुझे पसंद नहीं आया। तो जब आप ऐसे बैठेंगे और राइड कर रहे होंगे तो आपको बताऊं 100 की स्पीड पर जब आप क्रूजिंग शुरू करोगे तब समझ में आएगा मैंने इस बात का जिक्र क्यों किया था कि इसकी सीट बहुत ही कंफर्टेबल है। कोई नंबर नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूं कि मुझे ये कैसी लग रही है मोटरसाइकिल। एक चीज जो आपको खलेगी, ओ एक चीज़ नहीं, दो तीन चीज़ें हैं, सबका जिक्र कर देता हूं। तो जब आप इस मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर रहे होंगे तो क्या होगा कि ये जो हजार्ड लाइट है आपका हाथ उस पर चला जाएगा, मतलब जब आप स्टार्ट करना चाहोगे तो ये शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो पोजिशनिंग दी गई है, जिसको यहाँ पर लगाया गया है, वो थोड़े से बेढंगे अंदाज में दिया गया है नीचे, तो वहाँ पर आपको ये सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जब आपको स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से आके ये बाइक स्टार्ट होगी। अगर स्टैंड ऑन है तो स्टार्ट भी नहीं होगी, तो आपको स्टैंड ऑफ करके रखना है, फिर इसको जब आप इसे दबाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। और यहीं पर मैं आवाज़ अभी नहीं सुनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। तो अच्छी क्या नहीं लगी, जब आप इसे राइड कर रहे होते हैं आपका पोजीशन क्या होता है ये, और यहाँ पर जो ये पार्ट जा रहा है, जो पूरा ये क्लच के वायर और स्पीडोमीटर के वायर जो पूरे के पूरे इसमें दिए गए हैं, जो यहाँ से शुरू होते हैं लोहे के हैं, तो यहाँ पर जब लॉन्ग राइड आप कर रहे होंगे तो आपके हाथ पर टकराते रहते हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। और ये दूसरी चीज़ थी जिसको मैंने पसंद नहीं किया, वो बताया है। तीसरी चीज़ क्या है वो बता देता हूँ, तो जिसका हॉर्न है, हॉर्न कैसे बजाते हैं अमूमन, हॉर्न यूँ बजाते हैं, मतलब आपको दबाना है तो हॉर्न यहाँ दबेगा, लेकिन ये हॉर्न दबता कैसे है उल्टे, तो जब आपको इसको बजाना है तो आपको यहाँ दबाना है, तो राइड करते हुए ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। और ये आपको हॉर्न भी मैंने सुना दिया, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब आप इस मोटरसाइकिल खरीदोगे और
लेके निकलोगे, पहली बार स्टार्ट करोगे, तो हो सकता है आप शोरूम के अंदर जाके पूछो कि भैया आपका जो ये दोनों टर्न इंडिकेटर लगातार जल क्यों रहा है। तो जल नहीं रहा है, बेसिकली ये इसका काम ही यही है कि ये जलता रहे, क्योंकि LED DRL के रूप में एक काम करता है इस मोटरसाइकिल में। लेकिन जब आप इसे इंडिकेट करेंगे तो ये अपना काम करने लगता है, लेकिन पीछे वाले पे ऐसा कुछ नहीं है। आप जिक्र कर लेते हैं इंजन का, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अभी पिलियन राइडर बैठ के कितना कंफर्टेबल होगा, तो इसका जिक्र करेंगे जब इसका करेंगे लॉन्ग राइड रिव्यू, तो उसके लिए करिएगा इंतज़ार। तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें CB 350 में आपको 350cc का इंजन मिलता है, और इस पर आपको जो पियानो फिनिश मिलती है ये बहुत अच्छी लगने वाली है। और जो साइलेंसर पीछे जा रहा है इसका अंदाज भी बहुत अच्छा लगेगा, और इसकी जो फिनिशिंग है ये आपको पसंद आएगी। और यहीं पर दिया गया है हाईनेस CB 350, और ये अंदाज भी आपको अच्छा लगेगा। और हो सकता है कि जब आप इसको पहली नज़र में देखें, जो इसका टैंक है, क्योंकि इस पर होंडा लिखा हुआ है, तो जब इसका टैंक है जब आप इसको देखेंगे तो जो पुरानी होंडा की मोटरसाइकिलें आती थी उससे ये प्रेरित नज़र आता है, तो आपको ये चीज़ हो सकता है कि पसंद ना आए, लेकिन इसकी व्यवहारिकता तब समझ में आएगी जब आप इसे चलाना शुरू करोगे और इसमें ढेर सारा जो फ्यूल आ जाएगा और आप लंबी दूरी की आता है। क्योंकि जब मैंने इसे पूरा टैंक फुल करवाया है तो मुझे 371 का ये रेंज दिखा रही थी मोटरसाइकिल, तो ये मुझे अच्छा लगा। और जिसका स्पीडो दिया गया है, जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, इस पे जो इन्फॉर्मेशन है MID वाला, वो बहुत छोटा रहता है तो पढ़ने में दिक्कत होती है। मुझे लगता है उस पर थोड़ा सा काम किया जा सकता था, लेकिन ये एक रेट्रो अंदाज में आई है तो मैं उससे शिकायत नहीं करूंगा। वो सब्जेक्टिव, हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको पसंद ना आए। ओवरऑल आपको ये मोटरसाइकिल ज़्यादा मज़ेदार तब लगेगी जब आप इसे चलाना शुरू करोगे। रियर लुक की बात करें तो आपको बता दूं, रियर लुक आपको देखने में वही रेट्रो अंदाज दे जाएगा, और हो सकता है एक मिनट के लिए आप कंफ्यूज हो जाए किसी पुरानी मोटरसाइकिल से। और यहाँ पर भी एक बढ़िया, इसको भी हटा देते हैं तो आप देख पाएंगे, और इसमें हज़ार्ड ऑन कर देता हूँ तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से दिया गया है। पिलियन बैठेगा तो उसके लिए यहाँ पर ग्रैब रेल और यहाँ पर होंडा लिखा हुआ है, साथ ही सारी गार्ड भी इसमें मिल जाता है। तो जो महिलाएँ बैठना पसंद करती हैं एक तरफ पैर करके, तो उनको भी ये अच्छा लगेगा, और इसकी व्यवहारिकता आपको तब समझ में आएगी जब आप इसे चला के देखोगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस मोटरसाइकिल को खरीदना है बिना चलाए हुए मत खरीदना, क्योंकि ज़रूरी है बिना टेस्ट राइड किए हुए कौन मोटरसाइकिल खरीदता है। जब आप इसे टेस्ट राइड करोगे तब समझ में आएगा कि ये मोटरसाइकिल नगीना है या फिर बेकार है, क्योंकि जिस सेगमेंट में इसका जिक्र किया जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर बात की जा रही है कि बुलेट को खत्म कर देगी और उसको कड़ी टक्कर देने वाली है। ये सब कुछ होगा या नहीं अमित द्विवेदी को नहीं पता, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि इसका जो अंदाज है, जो इसका रिफाइनमेंट है और जिस तरीके से ये ब्रेक करती है वो बहुत ही लाजवाब है, और ये आपको अच्छा लगेगा, जिक्र करेंगे परफॉर्मेंस में। तो दोस्तों आइए अब आपको दिखाता हूँ इस बाइक का परफॉर्मेंस, जिसे आप जानते हैं होंडा हाईनेस CB 350 के नाम से, और इसे हाल ही में भारतीय बाजार में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी आइए शुरू से आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट गियर से सबसे पहले इसका जो आपको परफॉर्मेंस बताऊँ, जो फर्स्ट गियर का पिकअप है वो आपको बहुत लाजवाब लगेगा, और थर्ड गियर में अगर आप 40 से 45 की स्पीड पर चल रहे हैं तो आपको गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत अच्छा रिफाइनमेंट समझ में आता है इसके साथ में। जब आप फोर्थ गियर में होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मैं 60 पर क्रूज़ कर रहा हूँ, और वहाँ पर भी आप कंफर्टेबल रहेंगे और बहुत अच्छे से इसका पिकअप निखर कर सामने आता है। अगर छोटे मोटे उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं तो वहाँ दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो बहुत अच्छा किया है होंडा ने, और वो बहुत ही लाजवाब अंदाज में आपको सपोर्ट करेगा, और आपके पीठ तक कोई भी गड्ढा पहुंचने से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी चीज़ लगेगी, क्योंकि इस मोटरसाइकिल को लेके बहुत सारे लोग लेह लद्दाख के लिए प्लान करेंगे तो उनका ट्रिप बहुत ही सुखमय होने वाला है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल थकाएगी नहीं, चलेगी खूब लेकिन थकाएगी कम, और ये इसके करेक्टर में शुमार हो जाएगा जब ये बहुत सारे नंबर कर लेगी। क्योंकि जिस तरीके से इसकी डिलीवरी शुरू हुई है और जो लोग सामने आए हैं, जिस तरीके से इसे खरीद रहे हैं, जो पागलपन दिख रहा है वो अलग अंदाज में सामने आ रहा है। और इसका जो एग्जॉस्ट नोट है हमेशा, मतलब एक लय में आपके कानों में आता है और कभी भी कर्कश नहीं होता है, सबसे अच्छी बात यह है। और अब जब हाईवे पर पहुंच जाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से परफॉर्म करती है। लेकिन आपने इस दौरान एक चीज़ महसूस किया होगा, जो इसका हेडलैम्प है वो कितने अच्छे से अपनी रोशनी बिखेर रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी, जहाँ से मैं निकल रहा था वहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, और अब मैं बढ़ रहा हूँ गुड़गांव के तरफ, और वहाँ पर आपको मैं अभी बताता हूँ कि ये जब हम टॉप परफॉर्मेंस का जहाँ पर जिक्र करते हैं, बहुत सारा जहाँ एक्सीलरेशन होता है, हम हाई स्पीड पर चल रहे होते हैं, तो ये बाइक कैसे परफॉर्म करती है आप ये जानेंगे। लेकिन सबसे पहले
निकल लेते हैं इन गड्ढों से, और जब इन गड्ढों से आप निकल रहे होंगे ना तो आप इसके फुटपैक पर खड़े हो सकते हैं और ये आपको अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करती है और इसका राइट क्वालिटी जो है आपको बहुत इम्प्रेसिव लगेगा और इसकी वजह से आप इसकी सिर्फ तारीफ करते रहेंगे। अगर आपने मोटरसाइकिल खरीद ली तो आपके ज़िंदगी में एक चीज़ और जुड़ जाएगी तारीफ करने वाली, और वो होगी होंडा की CB 350 हाइनेस। और ये मोटरसाइकिल इस काबिल है कि जिसकी आप तारीफ कर सकें। और ये मैं आ गया एक हाईवे पर और अब इसके उस परफॉर्मेंस का जिक्र होगा जिसके लिए मैं चला रहा हूँ ए CB हाइनेस। और ये आपको अलग सा रिव्यू आपको मिल रहा है क्योंकि इसके लिए काफ़ी मशक्कत की और इस बाइक को मैनेज करने के लिए बहुत मुश्किल आई, लेकिन जिस तरीके से हमने मैनेज किया है ना बाद में बताएंगे कैसे किया है। और अब रात के इस सन्नाटे में जब आप आगे बढ़ेंगे तो ना ये ट्रक आपको डरा पाएंगे और ना ही ये जो कारें जा रही हैं ना इनसे आपको डर लगेगा, सिर्फ आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि आपके हाथ में एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो बहुत सारा क्रूज कर रही है और आप आराम से आगे बढ़ते चले जाएंगे। छोटी छोटी जगह से ये मोटरसाइकिल निकल जाती है, यानी कि अगर आप सिटी ट्रैफिक में होंगे तो वहाँ पर भी आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि सिटी ट्रैफिक का सामना बहुत अच्छे से करेगी ये मोटरसाइकिल, ये श्योर है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस मोटरसाइकिल के उस कैरेक्टर के बारे में जहां पर लोगों ने अपना पागलपन दिखाया है। हालांकि मैं इसका कंपेयर नहीं मानता हूं बुलेट से क्योंकि ये एक नई शुरुआत है और एक नई विधा है बाइकिंग में। अगर आप समझना चाहेंगे, अगर आपको मोटरसाइकिलिंग पसंद है और अगर आप समझते हैं रिफाइनमेंट और अगर आप समझते हैं इंजन, तो ये होंडा हाइनेस आपको पसंद आएगी। और आप देख लीजिए एक चीज़, यहाँ पर एक छोटी सी जगह है, मैं कितने आराम से निकल रहा हूँ, मुझे यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं निकल गया। तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आने वाली है। और यहाँ पर चलाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं पहाड़ों में हूँगा इसे चला रहा हूँगा तो जो इसका पिकअप है, जो इसका रिफाइनमेंट है, वो मुझे कितना खुश करने वाला है। और मैं इसे एक एक्सक्लूसिव राइड आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा, इंतज़ार करते रहिएगा। लेकिन अभी तो जिक्र कर लेते हैं उसका जिसके लिए मैं चला रहा हूँ इस मोटरसाइकिल को। तो चलिए भैया खोल लेते हैं पूरी बाइक और देखते हैं कि कहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ इसको लेके। और मैंने बाइक को डाल दिया है फिफ्थ गियर में और फिफ्थ गियर की इस क्रूजिंग में आपको एक अच्छाई ये नज़र आएगी कि इस मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि मिड रेंज में बाइक परफॉर्म नहीं करेगी, उनको बता दूं एकदम गलत हैं क्योंकि जो मेरा वज़न है वो है लगभग 87 kg का। और उसके साथ में जब मैं इसे चला रहा हूँ तो आपको बता सकता हूँ कि इसमें मुझे कहीं भी पावर की कमी नज़र नहीं आ रही है और मुझे एक ऐसा कम्फर्ट समझ में आ रहा है जिससे आप बोलते हैं जब आपको लॉन्ग राइड करनी होती है, आप बहुत सारा क्रूज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये मोटरसाइकिल आपको सपोर्ट करेगी क्योंकि 200-300 किलोमीटर की यात्राओं में आप थकोगे नहीं और इसके सीट का जो कंफर्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। कुशनिंग बहुत अच्छी है इसकी और पेन नहीं देने वाली, तो जब आप निकलेंगे लंबी दूरी की यात्रा पर इस मोटरसाइकिल को लेकर तो आपको अच्छा लगने वाला है। और आप देख सकते हैं कि मैं किस रफ्तार पर अभी चला रहा हूँ, 100 को मैं क्रॉस कर चुका हूँ और मुझे लगता है जो मैंने अपनी इस राइडिंग में जो तलाशा है इसके लिए अपने 100 किलोमीटर की राइडिंग में, वो बता देता हूँ, जो इसका स्वीट स्पॉट है वो है 100 km/h। अगर 100 पर आप क्रूज करते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप 100 km/h से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे या बहुत देर तक चलेंगे तो एक वाइब्रेशन आपको समझ में आएगा और उस स्पीड पर आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। तो अगर आप नॉर्मल राइड की बात करें तो आपको बता दूं ये वही स्पीड है जिस पर आप चल सकते हैं और ये बाइक आपको 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर बहुत कुछ सपोर्ट करती है। तो आप चलते जाइए और यहीं पर मैं जिक्र करूंगा इसके ब्रेकिंग का। और आपको बता दूं सामने ये जो रफ्तार से जा रही गाड़ियां हैं और यहां पर अगर मुझे सडनली ब्रेकिंग करनी पड़ रही है क्योंकि छोटा ब्रेक करूंगा इसके आगे निकल के, तो आपको बता दूं ब्रेकिंग कैसी है इसकी तो भी पता होना चाहिए। तो मैं 80 पे हूं और 80 से मुझे रुकना है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूं। और इसकी जो ब्रेकिंग है आप देख लीजिए, महज कुछ मीटर में मैं खड़ा हो गया। मैंने इस सेफ्टी के साथ किया, तो जब आप राइड कर रहे होंगे तो उस सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है। और शिफ्टिंग फिर से करिए, नई बाइक है और जितना किलोमीटर इसमें ऐड हुआ है सिर्फ अमित द्विवेदी ने इसमें ऐड किया है, तो आपको बताता चलूं कि ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है और हर गियर में आपको एक कॉन्फिडेंस दे जाती है कि भैया चलाते रहिए, मज़े करते रहिए। मैं जिक्र नहीं करने जा रहा हूँ 0 to 100 का और ना ही जिक्र करने जा रहा हूँ 100 to 0 का, लेकिन मैं जिक्र करने जा रहा हूँ इसमें इसके उस परफॉर्मेंस का जहाँ पर आप शहर से शहर यूँ
नाप लेंगे जिसमें आपको थकावट नहीं होगी। और इस फाइनेंस ने मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी और मुझे इसके परफॉर्मेंस से 100 km/h की स्पीड तक कोई भी कमी नज़र नहीं आई और मुझे इस हाइनेस ने खुश किया है। और ये मैं बोल सकता हूँ कि मुझे इसने पूरी तरीके से अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। तो जब मैंने इस बाइक को उठाया, जब डिलीवरी ली इसकी और वहाँ से बाहर निकला, तो आपको बता दूँ इसका टैंक फुल करवाया और इसके टैंक में लगभग 15 लीटर फ्यूल आ गया। कंपनी क्या दावा करती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसमें 15 लीटर का पेट्रोल डलवाया। इसके बाद में अब मैं इसे चला रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ये चलाने में कैसी है। और इस नाइट राइडिंग का आप इंजॉय उठाइए, लुत्फ उठाइए। जब आप ओवरटेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक अलग कॉन्फिडेंस ये मोटरसाइकिल देती है, और वो कॉन्फिडेंस कौन सा है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। कॉन्फिडेंस वो वाला कॉन्फिडेंस है जहाँ पर आपको ये नहीं लगता कि भैया बीच में अब बस इसकी पावर ख़त्म हो गई, ये चिपक के चल रही है और ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक 350cc की मोटरसाइकिल चला रहे हो। तो नॉर्मल अंदाज में ये आपको आगे बढ़ा रही है और ये बात इस मोटरसाइकिल की आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, इस मोटरसाइकिल को चलाने के बाद अब जो मैं शेयर करने वाला हूं वो है वर्डिक्ट, मतलब अब आपको बताने वाला हूं क्या ये बुलेट की जगह ले लेगी। जी नहीं, अगर आप रॉयल एनफील्ड बुलेट को पसंद करते हैं या रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों को पसंद करते हैं तो जहां पर रॉयल एनफील्ड लिखा होगा आप उसे ही प्यार करिए। ये उनके लिए है जो नई पीढ़ी के नई युवा सोच के साथ निकल रहे हैं और उनको एक चाहिए बढ़िया वाली मोटरसाइकिल, तो उनको ये बाइक बहुत अच्छी लगने वाली है क्योंकि इसमें आपको रॉयल एनफील्ड का कुछ भी अक्खड़पन नहीं मिलने वाला है। ये एक रिफाइन बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ आई हुई एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि आपको फर्स्ट से लेकर 5th गियर तक सपोर्ट करती है और आपको मज़ा आएगा वहाँ पर। कुछ एर्गोनॉमिक इशूज हैं जो कि चलता है, अभी इन्होंने शुरुआत की है, धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते चले जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और इस मोटरसाइकिल को लोग पसंद करना शुरू करेंगे, इसके ढेर सारे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर हर जगह क्लब बनने शुरू होंगे, उनको समझ में आएगी ये हाइनेस CB350 और इसमें वो अंदाज दिया गया है जो आपको हर तरह प्रेरित करेगा। अगर आप राइडिंग पसंद करते हैं और आपको बहुत कुछ क्रूज करना है, सपोज करिए आपको लेह लद्दाख जाना, तो मुझे लगता है अगर लेह लद्दाख जाएंगे थोड़ा वक्त और आगे बढ़ेगा, ये मोटरसाइकिलों की डिलीवरी ढेर सारी होगी और होंडा का डीलरशिप नेटवर्क जो बिग बिंग वाला है वो चौड़ा लंबा चौड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि रास्ते में लेह लद्दाख की ये मोटरसाइकिल बहुत सारे मात्रा में आपको भरी पड़ी मिलेगी। तो ये बढ़िया शुरुआत है होंडा की जहाँ पर वो एक बड़े अंदाज में आगे बढ़ेगी और मुझे लग रहा है कि हाँ, उसको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया है इस प्रीमियम सेगमेंट में जहाँ पर उसे किसी को कंपटीशन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बढ़िया आवाज़ के साथ गुनगुनाते हुए इसे सिर्फ आगे बढ़ना है और इसके लय से हर कोई अपना लय मिलाएगा और कदम ताल मिलाएगा। तो अगर आपका बजट 1,80,000 रुपये से लेके 2,10,000 रुपये तक का है, तो क्योंकि जो मैं बाइक चला रहा हूँ ये डीलक्स है, CB350 डीलक्स, तो आपको इसके लिए चुकाना पड़ता है गुड़गांव में 2,09,000 रुपये ऑन रोड कीमत। तो ये बढ़िया मौका है, खरीद लीजिए और इस त्यौहार पर अपनी दिवाली को इसकी हेडलाइट से रोशन करिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ए नाइट रिव्यू होंडा हाइनेस CB350 के साथ पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ रह गया है तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, सवाल करिए, ढेर सारा जवाब ले जाइए। एक चीज़ और बताता चलूँ, इसका माइलेज टेस्ट रह गया है, बाद में करेंगे इस पर वीडियो और आपको बताएंगे कि माइलेज कितना देती है। फिर भी आपको एक क्लू दे देता हूँ, मुझे 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर तक का इसे माइलेज मिल रहा है क्योंकि जो इसका रिफाइनमेंट है उससे आपको बढ़िया माइलेज मिलने वाला है।